नमस्कार अभ्यर्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज कुछ तीन चार बातों को लेकर बहुत ही जरूरी है और यह मुद्दा बहुत ही ज़्यादा एक तरह से अफवाह के रूप में या फिर कह लीजिए वायरल हो रहा है बहुत ही, और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस बात को लेकर। पहला मुद्दा यह है डीएलएड परीक्षा रद्द हो सकती या फिर नहीं। दूसरा मुद्दा यह है भाई यूपीटेट एग्जाम को लेकर है 2021, ये टलेगा कि नहीं टलेगा इस पर भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। खैर, और सीटेट 2021 आंसर की के बारे में भी चर्चा करेंगे, इसका आंसर की के लिए क्या सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी किया है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और तीसरी बात है लेखपाल फॉर्म को फिलिंग के लिए बच्चे ने बहुत ज़्यादा मैसेज किया है तो उसके विषय में भी चर्चा करेंगे, हमने भी फिल किया है, उसके आधार पर हम आपको बताएंगे किस प्रकार से क्राइटेरिया है उसको फिल करने का। इसके बाद डीएलएड 4 टाइम पेपर, चौथी बार जो पेपर कराया जा रहा है डीएलएड के लिए, क्या वह हमारे गाइडलाइन में लिखा है या नहीं लिखा है इसके विषय में चर्चा करेंगे। और लिखा है या न लिखा हो, अगर आपने रूल बनाया है तो उसको फॉलो करते हैं, कितना फॉलो करते हैं इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपसे विनम्र विनती है किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक बने रहें। और एक बात और कहना चाहेंगे भाई, आप लोग क्लासेस को रेगुलरली ढंग से लीजिए। डीएलएड 2019 बैच की बात करें तो हम साइंस के क्लासेस 2-3 दिन बंद कर दिए, इसी वजह से बंद करेंगे क्योंकि आप लोग की व्यूज ही नहीं आ रही है भाई। तो अभी घबराइए मत, हम मात्र 6 से 10 दिन के अंदर साइंस का पूरा राम राम, मतलब कि एक तरह से करेंगे भाई जयराम कर देंगे साइंस को, ठीक है। जिस प्रकार से मैथ के क्लासेस चल रहे हैं, मैथ के 6 यूनिट खत्म हो गए, 5 दिन में 6 यूनिट खत्म हुए। कल आएंगे समुच्चय पर, डेली 12 बजे डीएलएड मैथ के क्लास होते हैं थर्ड सेमेस्टर के, और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के क्लासेस खत्म हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और यूपीटेट के लगभग सारे क्लासेस मात्र इंग्लिश और संस्कृत को छोड़ के सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पूरा भरपूर तरीके से प्रैक्टिस के साथ। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, भैया बहनी आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। और रहा की बात भाई, जो बच्चे यह सोच रहे हैं कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, हम तो ये कहते हैं मान लीजिए एग्जाम ना भी होता है, अगर आप पढ़ लेते हैं तो क्या वो नुकसान होगा? और अभी तक कोई गारंटी नहीं कि ऐसा नोटिस नहीं आया कि एग्जाम नहीं होगा। भाई नहीं आया है तो नहीं आया है, कितने बच्चे बोल रहे हैं सर नहीं आया है, क्यों नहीं आया सर? अब तो प्रमोट के विरोध में है। भैया प्रमोट के विरोध में नहीं है, हम भी चाहते हैं प्रमोट हो जाओ आप लोग, लेकिन आप लोग जब प्रमोट, मान लेते हैं एक कंडीशन ऐसा है कि आप लोग जब प्रमोट नहीं होते हैं उस कंडीशन में आपको कभी भटकना ना पड़े, इस वजह से हम क्लास दे रेगुलरली क्लास चला रहे हैं कि अगर आप चाहें तो 2 से 3 दिन में फटाफट रिवीजन कर लें, इस वजह से हम क्लास भर रहे हैं और डेली क्लास चल रहा है। आपसे विनती है कि आप लोग अगर पढ़ लेंगे तो आज यही पढ़ा हुआ आपका यूपीटेट में काम देगा, अन्यथा कंडीशन में अब आप लोग के विचार हैं, आप लोग के जीवन है, आप लोग उस पर सोच सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। आज एक लड़की की फ़ोन आया, लड़की ने मैसेज किया था, फ़ोन करा था, नाम तो खैर प्रियंका है उनका, और उनसे हमने भैया उन्होंने मरने की बात कही तो ठीक है कोई बात नहीं है, अगर आप मर जाते हो तो क्या ले जाओगे अपना? प्रियंका सोनकर नाम है उनका, हम पूरा नाम उनका बता देते हैं, वह बनारस की रहने वाली हैं, है ना, और उन्होंने ऐसी बातें मुझसे करी। तो हमने कहा भाई ऐसे अफवाह को लेकर ना बहुत सारे प्रशिक्षु परेशान हैं, और जैसे शिक्षक भर्ती टली है ना उस हिसाब से बहुतों ने अपना जान भी दिया है और एक तरह से बलिदान है उनका, अगर सरकार आज भी या फिर अब भी नहीं जग रही है इसका मतलब है सरकार सोचना नहीं चाहती हम लोग को लेकर। यह मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और यह भारत के अंदर ही सीमित रहे तो अच्छा है, और रह गई बात अगर बाहर निकलता है वैश्विक स्तर पर अगर सूचना कहीं मिल जाती है दूसरे देश को ना तो बहुत ही बड़ा मुद्दा बनेगा यह। खैर यह अलग बात है कि कितना, वो तो हर देश की बात होती है, लेकिन अगर आपको भी भाई बच्चे कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको भी सोचना चाहिए था। आपने 17,000 बोला था, कम से कम 17,000 आना चाहिए था ना, सही 17,000, हमें तो चाहिए 97,000 और 97,000 भर्ती लेके रहेंगे। इतने याद रखना प्रशिक्षुओं, आप लोग का एक एक बलिदान याद रहेगा, आंखों में खून भरकर तैरेगा भाई, याद रखना शिक्षक भर्ती तो हमें 97,000 चाहिए, उससे ना ही एक कम ना ही एक ज्यादा। बस अब आते हैं इसे अपने मुद्दे पर, डीएलएड परीक्षा रद्द हो सकती है या फिर नहीं, देखना भाई हम इसके विषय में पूरी विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। डीएलएड का पेपर रद्द हो जाना चाहिए, हम तो यह कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से माहौल बना है अगर पीएनपी सचिव इस पर विचार करते हैं तो उनको यही निर्णय निकल के आएगा उनके सामने कि डीएलएड का पेपर रद्द होना चाहिए, यह एग्जाम कैंसिल करके किसी और दिन कराना चाहिए अगर आप कराना चाहते हैं तो, ठीक है। अभी हापुड़ से हमने आपको बताया था 9 से 18 तक प्रस्तावित है आपका एग्जाम, इसी बीच में एग्जाम का डेट प्रस्तावित होगा, अभी 17 तारीख आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे 17 तारीख तक, 10 से 18 डाइट पर और 10 से 18
अन्य निजी संस्थान पर और 11 से 18 तक डाइट पर, यह कहा गया है पीएनपी मतलब उत्तर से नोटिस में साफ साफ लिखा गया है। तो आप लोग अगर इस कॉलेज में फॉर्म भराए जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएंगे 12-13 तारीख तक, फिर उसके बाद फिल करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन में एक कन्फर्म नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाएगा कि आपका एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है भाई। तो उसके अनुसार आप थोड़ा सा फॉर्म वगैरह भरेंगे। और जो प्रशिक्षु बोल रहे हैं कि सर कॉलेज में कैसे फॉर्म भरेंगे, भाई देखना यह ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको कॉलेज जाना भी नहीं पड़ सकता, हो सकता है पैसा दें और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, क्योंकि जो भी वर्किंग करने हैं, जो भी हमको जो फॉर्मेलिटी होती है ना, वो कॉलेज वाले ही करते हैं, हम लोग को कुछ नहीं करना होता, सिर्फ पैसे से मतलब होता है। 400 रुपये फीस है, वो 1000 रुपये, 1500 रुपये, 800 रुपये ऐसे लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 9 से 18 तक आपका एग्जाम प्रस्तावित है, और इस समय आपको पता है 10 जनवरी से लेकर मतलब 10 जनवरी तक पता है, मतलब एक तरह से देखा जाए भी तो रैली के साथ साथ आपके कॉलेज हो गए, स्कूल्स हो गए 16 तक बंद हैं, 16-1-2022 तक यह बंद हैं। अब कॉलेज वगैरह जो डिग्री कॉलेज वगैरह थे वो भी बंद कर दिए गए। अब ऐसे में क्यों बंद है, आपको पता है ओमिक्रोन के कारण, COVID-19 ओमिक्रोन से बहुत बड़ी लहर एक तरह से फैली हुई है, बल्कि वैक्सीनेशन बहुत खतरनाक तरीके से हो रहा है बच्चों का, जो 14 से 18 के बीच में उनका भी वैक्सीनेशन स्टार्ट है बहुत अच्छे तरीके से, एक एक डोज सबको लगभग लगभग लग चुका है सारे बच्चों को, लेकिन सेकेंड डोज तक लगने तक क्या ये आसार रुक सकेंगे या नहीं रुक सकेंगे, इस पर पूरा वैश्विक स्तर पर एक तरह से इंडिया स्तर पर देखें तो बहुत बड़ी रूप से एक तरह से सोच बनी हुई है सबकी, बड़े बड़े नेताओं को लेकर, बड़े बड़े हमारे साइंटिस्ट जो हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इन सबकी सोच लेकर बनी। भाई देखिए जो आपको वैक्सीन लगा है ना, इसकी भी कब तक वैलिड है ये अभी कोई कन्फर्म नहीं है। अब इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए अब यह सामने आएगा या आखिर कब से आपको फिर से COVID-19 से लोग बनने लगे, तो इसका मतलब ये वैलिडिटी चेक कर रहे हैं, ये चेक हो जाएगा कि भैया 1 साल तक 2 साल तक 3 साल तक वर्क कर रहा है, तो एक गाइडलाइन जारी हो सकती है कि हर 3 साल पर 2 साल पर यह वैक्सीनेशन लगाना पड़ेगा। अब इस वैक्सीन को लगाने के जाएंगे आप तो इसके लिए पैसा भी देना पड़ेगा, इस तरह से सारा ड्रामा होने वाला है आगे। अब इस कंडीशन में अगर रैली बंद है, कॉलेजेस बंद है, और आपके सारे चीज मतलब की बात करें हर एक संस्थान बहुत जगह बहुत राज्यों में बंद हो चुके हैं, तो आपका एग्जाम टलना चाहिए भाई, टलना क्या स्थगित हो जाना चाहिए, कब भी होगा। और एक अभी आपको पता एक और कारण है प्रमोट का मुद्दा भी कारण है, अभी हापुड़ डाइट से एक नोटिस जारी किया गया है कि भैया एग्जाम बहुत डिले हो रहा है, ऐसे में एग्जाम करा पाना सुनिश्चित नहीं हो सकता है एग्जाम, या फिर संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीच में चुनाव है, आपको पता है 10 फरवरी के बाद बात करें 10-14 के बाद इस तरह से 17 है, 17 के बाद 24 है, 24 के बाद 27 है, और शायद 3 और 7 है, 7 में लास्ट में हमारे बनारस में है और 3 आजमगढ़ में है, तो इस तरह से सारा चुनाव का ड्रामा है। अगर आप एग्जाम कराते भी हैं तो ऐसे में उस दिन तो एग्जाम संभव नहीं हो पाएगा जिस दिन चुनाव होगा, और आपका भी एग्जाम 10 से 18-28 के बीच में होगा। अगर आप उस बीच में एग्जाम लेते हो, मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन समय उस दिन पड़ गया जिस दिन चुनाव है, तो उस दिन तो कॉलेज स्कूल से बंद होंगे, तो आप कहाँ पे कराओगे, या फिर बंद भी ना होंगे खुले भी होंगे, तो उस समय एग्जाम वहाँ पर आपके एग्जाम से बड़ा बड़का वाला एग्जाम चल रहा होगा, चुनाव चल रहा होगा भाई, तो उस समय आपका एग्जामिनेशन तो कैंसिल होगा। ऐसे में बहुत सारे डाइट, हापुड़ डाइट ही नहीं, बहुत सारे डाइटों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि ऐसे में जो प्रशिक्षु 2019, देखना भाई यहाँ पे कोई कटाक्ष नहीं करेगा कि सर जो बैक लगे हैं उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है, क्योंकि साफ साफ मुद्दा यह है जिनका बैक लगा है उनको सेकंड सेमेस्टर प्लस थर्ड सेमेस्टर तो देना ही पड़ेगा, चाहे वह एक बार और मशक्कत कर ले। देखना भाई जिन्होंने मेहनत किया था वो पास हुए, अब आप मेहनत नहीं किए हो तो इसके लिए भुगतान भी आप ही करोगे। अगर आपका फिर से बैक आया है तो इसके विषय पर आप दबाव बनाइए कि हमारा एग्जाम बहुत जल्द हो जाए, बस यही कंडीशन है, और अन्यथा कंडीशन में आपको प्रमोट तो नहीं करेंगे, कितनी भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा लीजिए, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था जिनका बैक आया था उनको प्रमोट नहीं किया गया था, और इस बार एक नई गाइडलाइन जारी करी गई है, तो जो इनका बैक नहीं है जो सेकंड सेमेस्टर पास हुए हैं उनको प्रमोट होने के चांस यहां पर मिल सकते हैं, क्योंकि हापुड़ डाइट के पहले नोटिस के साथ साथ बहुत सारे डाइटों ने मिलकर उनको उनके ऊपर दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया है। प्लस यह भी कहा है कि भाई देखना यह सारी चीज़ें लेट होती चली जा रही हैं, अब लेट उनके लिए हैं जो बच्चे तेज हैं, जो बच्चे पास हो गए हैं, तेज का मतलब यह नहीं कि जो फेल हो गए हैं वो तेज नहीं होंगे, वो भी हो सकता है तेज हो, लेकिन आपका बैक लगा फिर से तो आपको लास्ट चांस याद रखना, आपको बैक के साथ थर्ड सेमेस्टर तो देना ही पड़ेगा, किसी भी सूरत में आपके लिए कोई गाइडलाइन नहीं आएगा या फिर कोई नोटिस नहीं आएगा, अगर ऐसा नोटिस आता है तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो बच्चे पास हो गए हैं अगर उनको प्रमोट किया जाता है तो एक चांस आपके लिए मौका मिल सकता है, अगर वो प्रमोट होते हैं तो, और उनके लिए पूरी एड़ी चोटी की जोर लगा दिया गया है पूरे के पूरे डाइट द्वारा। अभी हापुड़ डाइट ने कल या रात में परसों में एक नोटिस दिया था, हमने आपको बताया था कल रात में दिया था, तो इस कंडीशन में आपको प्रमोट होने के आसार बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, अगर आप प्रमोट होते हैं तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर यह सोचकर आप बैठ जाएंगे
कि हम प्रमोट हो जाएंगे, पढ़ाई न करें, तो यह भी आपके लिए बहुत गलत फहमी है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। मात्र 2 दिन रुक जाइए, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई नोटिस आ जाने वाला है। अगर कोई नोटिस आता है तो आपको सूचना देंगे, क्योंकि बहुत जल्द आएगा। इसको क्लियर करेगी पीएनपी, 100% क्लियर तो करना चाहिए भाई उसे। बीच में चुनाव है, ओमिक्रोन है इधर, और इधर आपका एग्जाम है, तो क्या वो क्या करना चाहती है आखिर एग्जाम निकाल कर? अपने ईगो में पीएनपी सचिव बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा ठोस कदम उठा रहे हैं ना, जो लग रहा है कि असंभव है एग्जाम करा पाना। तो इस कंडीशन में उनको एक नोटिस तो दोबारा निकाल कर या सेटिस्फाई या फिर यह पूरी की तरह से सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बताइए भाई एग्जाम होगा कि नहीं होगा। अगर एग्जाम होगा तो किस आधार पर आप एग्जाम लोगे? जिस दिन चुनाव है 16-17 मान लो कि 14 को 17 को, क्या उस दिन भी एग्जाम आप लोगे? उस दिन एग्जाम का डेट अगर पड़ गया तो उस दिन भी एग्जाम लोगे? मतलब कॉलेज स्कूल खुले रहेंगे, उस दिन चुनाव रहेगा तो आप एग्जाम कहाँ पे लोगे? मान लीजिए मैक्सिमम कॉलेजेस में रहेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जिस भी जिले में आपका कॉलेज है, उस सकता उस समय उसमें चुनाव हो। तो ऐसे में पीएनपी सचिव द्वारा एक नोटिस आना चाहिए जिसमें यह सुनिश्चित करें, यह क्लियर करें कि आपका एग्जाम कब होगा। या फिर वो तो एग्जामिनेशन जो आपका डेट आया था आचार संहिता के पहले आ गया था, अगर आचार संहिता के बाद आता तो शायद कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलते। लेकिन ऐसे में अब आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जो बच्चे 2019 सेकेंड सेमेस्टर पास हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन चांस मिला है भैया। देखना आपके प्रमोट होने के आसार बढ़ गए हैं अब, है ना, क्योंकि इधर लेट हो रहा है। और पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि जब 2019 बैच के थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो वह बार बार बोल रहे थे, वह दावा बिल्कुल बना के रखे थे कि प्रमोट नहीं करेंगे। हमारे पास ऑडियो भी पड़ा है पीएनपी सचिव का, प्रमोट नहीं करेंगे। ससुर लास्ट में प्रमोट करना पड़ा उनको, क्योंकि वह प्रतिबद्ध हो गए उस लिए कि भैया लेट हुआ है, अब लेट हुआ है तो उसका भुगतान बच्चे क्यों करेंगे? दुश्मनी है क्या कोई? तो आप प्रमोट होने के पूरे चांस यहाँ पे बन रहे हैं, और हो सकता है प्रभु हमारे काशी नगरी से, हमारे शिव जी, हमारे महादेव आपकी राहों को बना रहे हैं, और आपका एग्जाम 4 सेमेस्टर का होना चाहिए। इसके लिए हम भी अब तो पूरी तरीके से आपके पक्ष में हैं, पूरी तरीके से पक्ष में थे और आज भी पक्ष में हैं। अगर हमने क्लास भी ले रखा है तो हम नहीं चाहते कि हमारा मेहनत, हम ये चाहते हैं कि भाई मेहनत डांट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों का भला हो जाए, बात खत्म। अगर बाय द वे अगर 2% भी चांस यहाँ पे बन जाए आपके एग्जाम होने की, तो आप कोई भी कसर मत छोड़िएगा क्लास लेने में, क्लास आप रेगुलर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और आपके चांस बहुत ज़्यादा हैं कि पास हो जाएंगे, वो उन बच्चों की, क्योंकि हापुड़ डाइट एंड साफ साफ मेंशन कर रखा है, आप नोटिस पढ़ लीजिए भाई। इसमें हमको ब्लेम मत करिएगा कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाई जो फेल हुए हैं उनके लिए क्यों नहीं आया। भाई उनके लिए नहीं आया है क्योंकि गाइडलाइन नहीं है, जब नहीं है गाइडलाइन में तो हर डाइट जानती है, जब गाइडलाइन में नहीं है तो क्यों हम रिक्वेस्ट करें पीएनपी से इस बात को? एससीईआरटी का गाइडलाइन पढ़िएगा, 14, 15, 16 जो लाइन है उसको पढ़ेंगे तो सब चीज समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन जो बच्चे बैक है, बैक था सेकंड सेमेस्टर पास हो गए, उनको प्रमोट होना चाहिए। और यही सारी चीजें लिख कर उसमें साफ साफ बोला गया है हापुड़ द्वारा कि जो प्रशिक्षु पास हुए हैं सेकेंड सेमेस्टर, उनको तृतीय सेमेस्टर प्रमोट कराकर प्लीज विनती है महोदय जी, संभावित परीक्षा 4 सेमेस्टर के लिए जाए। और इस मतलब कि इनके पक्ष में सारे के सारे डाइट हैं। अब यहाँ पर अभ्यर्थी के साथ पीएनपी की लड़ाई नहीं है, अभ्यर्थी के साथ पीएनपी की लड़ाई हो चुकी, अब डाइट के साथ पीएनपी की लड़ाई होगी। अब देखना यह है कि कब तक ये नोटिस आती है, आपके एग्जाम टलेंगे कब होंगे। ठीक है भाई, आप संतुष्टि रखिए, पढ़ाई करते रहिए, जो भी होगा आपके राह जो है ना शिव जी हमारे भोलेनाथ बना रहे हैं और बन रहा है बहुत अच्छे से। आप पास हो जाओ, आप प्रमोट हो जाओ, बस 4 सेमेस्टर की एग्जाम दे लो, बस यही चाहते हैं। 4 सेमेस्टर के एग्जाम देंगे तो 4 सेमेस्टर के क्लास स्टार्ट कर देंगे, क्या करना है भाई। ठीक है ना, चलिए अब आगे बात करते हैं यूपीटेट के एग्जाम को लेके। यूपीटेट के एग्जाम को लेकर रद्द को लेकर बहुत सारे अफवाह चल रहे हैं, कितनों ने तो यह बेवकूफ़ी कर दिया है कि जो यूपीटेट एग्जाम को छपवा लिया है कि रद्द हो गया है और नीचे 2022 डाल दिया। तो यूपीटेट 2022 नहीं महोदय जी, आपको वहाँ पे थोड़ा सर्च करना चाहिए, तो यूपीटेट 2021 है, यूपीटेट 2021 है ना कि यूपीटेट 2022 है। यूपीटेट एग्जाम 2021 को लेकर हाल ही में एक नोटिस जारी किया गया है, उसके सेंटर को लेकर पूरी तरीके से ब्यौरा दिया गया है, आपके सेंटर सेट हो गए हैं। और यह एग्जाम कराने को लेकर जो शासन है वह बिल्कुल भी तनिक भी थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती है, वह इसके रूप में या फिर इसके लिए बात करने को तैयार ही नहीं है। और जो अफवाह फैल रहे हैं, मान लीजिए अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, हो सकता है अभी नोटिस आ जाए कि आपका एग्जाम कैंसिल हो, तो इस पर क्षमा चाहते हैं कि अभी आपसे मतलब आधे घंटे के रूप में हमारा यह सेशन चलता है, अगर नोटिस आ गया तो इस बीच में आप कटाच करेंगे कि सर आपने बोला नहीं होगा, हो गया, तो हम उसके लिए तुरंत बनाएंगे वीडियो अगर ऐसा कुछ आता है। ठीक है ना, देखने के बाद भाई, अगर देखना अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं है, अभी जिस समय तक बात कर रहे हैं उस समय मतलब कि 9 से 9:30 बजने के बीच ये वीडियो आती है,
तो अगर नोटिस नहीं है तो इसका मतलब साफ साफ है जो चीजें सोशल मीडिया पे फैल रही हैं वो अफवाह हैं, क्योंकि हमने देख लिया है कि भाई इसके रूप में इसके इसको कैंसिल को लेकर कुछ भी बात करने को तैयार ही नहीं है हमारी पीएनपी, हमारी पीएनपी हमारे शासन कुछ भी लेकर बात करने के लिए तैयार नहीं है इसको लेकर, ना ही अभी कुछ बात करना चाहती है। ये चाहती है अगर एग्जाम 23 तारीख को है तो 23 तारीख को आपका एग्जाम हो जाए, और खैर बहुत सारे प्रशिक्षु भी चाहते हैं एग्जाम हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में COVID-19 को देखते हुए, ओमिक्रोन को देखते हुए, सारी चीज़ें गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हो सकता है आपका एग्जाम कराया जाए। ठीक है भाई, तो तैयारियां आप करते रहिए, ऐसा कोई नोटिस आता है अगर तो हम आपको सूचित करेंगे, अन्यथा कंडीशन में आपके एग्जाम सेंटर पूरे के पूरे ब्यौरा निकाल दिया गया है। अब आपके हो सकता है 12-13 तक आपके एडमिट कार्ड भी आपके एडमिट कार्ड की भी घोषणा कर दी जाए, तो ऐसे में आपके एग्जाम कैंसिल नहीं हुए हैं, आप वहाँ से दूर रहें, आपसे विनती है, आप ग्रेजुएट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, कोई भी नोटिस पढ़िए तो गहनता से पढ़िए, दिमाग लगा के पढ़िए, ऐसे नोटिस मत पढ़िए ना जब यूपीटेट 2022 वहाँ पर लिख कर आया है, तभी मुझे शंका होने लगा इस साला तो फेक है, यूपीटेट 2021 है भाई ना, 2022 कहाँ से हो गया ये बताना पड़ा, तो यह गलत है, कैंसिल नहीं होगा सीट, मतलब कैंसिल हो सकता है, अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं कैंसिल हो जाएगा। सीटेट आंसर की बात करें 2021 को लेके, सीटेट आंसर की बात करें 2021 को लेके, इसमें जो हमारी सीबीएसई है इन्होंने साफ साफ बोला है, घोषित किया है रिजल्ट के दो से तीन दिन बाद आपके आंसर की आपके ऑफिशियल ईमेल पे जो आपने मेल दिया था उस पर आएंगे, और सबका एक एक करके आएगा। अब यह रिजल्ट की जानकारी नहीं दें कि इसकी जानकारी नहीं दें कि आपके आंसर की कब तक आएगी, लेकिन इन्होंने यह बोल दिया है कि जो आपके आंसर की आएंगे आपके रिजल्ट के 2 से 3 दिन बाद आपके मेल के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएंगे। अब सबको पर्टिकुलर सेपरेटली मेल करना बहुत बड़ा टास्क है, और इन्होंने ले लिया है अपने जिम्मे कि ये टास्क को हम पूरा करेंगे भाई, तो यह देखते हैं अगर ऐसा संभव हो पाता है, क्योंकि पहली बार इन्होंने एग्जाम कराया है ऑनलाइन, तो ऐसा संभव हो पाता है तो बहुत बढ़िया इनका यह सिस्टम होगा कि सबके मेल पर पहुंच जाएगा सबका आंसर की सबके कॉपी का, है ना, तो ऐसा हो पाता है संभव, बहुत बढ़िया है इन्होंने बोला है, तो भाई सिस्टम होगा इनका और यह भेज देंगे अभी तक, लेकिन इसकी सूचना नहीं दी गई कब आएगा आंसर की, है ना, और नहीं यह सूचना दिया गया कब आएगा रिजल्ट, लेकिन यह सूचना आया है कल तक आया है कल के डेट में कि आपके जो आंसर की हैं वह आपके रिजल्ट आने के 2 से 3 दिन बाद आपके मेल में पहुंच जाएंगे। अगर जिस बच्चों को डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, उनको एक तरह से उसमें चैलेंज करने हैं, क्वेश्चन हमारे सही हैं सर आपने गलत आंसर टिक किया है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं उसके लिए बिना विदाउट फीस आपको 2 से 3 दिन तक आप चैलेंज कर लगा सकते हैं उसमें, ठीक है। और रही बात प्रोविजनल आंसर की, तो प्रोविजनल आंसर की का कोई डेट अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जैसे अनाउंसमेंट होगा तो हम आपको बता देंगे, अन्यथा कंडीशन में आप बने रहिए लाइन पर, सही लाइन पर मतलब भी देखते रहिए सारे अपडेट वगैरह भाई। और क्या, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लेखपाल फॉर्म को लेकर। भाई देखना हमने भी फिलअप किया है, बहुत सारे बच्चों का ना सर 61 नंबर है 60 नंबर है तो फिल करें कि नहीं करें, देखिए भाई हमारा 76 नंबर है, आपको बता देते हैं हमने फिल किया। अब हमने एक वीडियो भी बनाया था जिस पर हमने यह चर्चा करा था कि भाई कितने बच्चों के अंदर में आएगा, लगभग हमने निकाला था सबका रैंकिंग के लिए हमने देखा था लगभग साढ़े तीन लाख बच्चों का उसमें अंडर में आ रहा था, मतलब कि अगर 60 नंबर से आपका प्लस है तो आप जाहिर सी बात है आप भर सकते हैं। अब इसके पहले हमने बनाया दिया था क्योंकि हमको उस समय डर था, या फिर हम सभी लोग को लग रहा था यूट्यूबरों को लग रहा था भाई कि हो सकता है इन्होंने 60 के प्लस कोई लिमिटेड टाइम करें, या फिर जो नंबर आपको मिला है परसेंटाइल के हिसाब से भी नंबर यह तय करें कि किसी बच्चे का अगर 80 प्लस परसेंटाइल है तो वही केवल लेखपाल के लिए भर्ती बैठ सकते हैं, लेखपाल के भर्ती में बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ भी चर्चा नहीं किया है, इन्होंने साफ साफ कहा है जो पिट के लिए पिट दिए थे चाहे जितना भी नंबर आया हो वो फिल कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं, तो आप सभी लोग फिल करिए। 25 नंबर है, अब देखना 25 रुपये लग रहे हैं, अब देखना कैसे फिल होगा, दो तरीके से फिल होगा, आपके पास तो आपका सर्टिफिकेट होगा पिट वाला, तो आप पिट के सर्टिफिकेट डालिए आपके, और आपको पासवर्ड मांगेगा, ओटीपी जो आप आया था वो ओटीपी डालेंगे, प्लस जैसे ओटीपी डालेंगे एक ओटीपी और आएगा आपके मोबाइल पर, फिर उस ओटीपी को जैसे आप फिल करेंगे आपका पूरा का पूरा फॉर्म खुल जाएगा पिट वाला, जिस प्रारूप में आपने पिट भरा था। अगर मान लीजिए एक आपके पास कोई वो पासवर्ड भूल गए आप, है ना, लेकिन आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर तो है भाई, आपके पास वो रजिस्ट्रेशन है जो आपने पिट में पिट के लिए जो दिया था उसमें आपके देखेंगे तो सर्टिफिकेट में भी है, तो उस कंडीशन में आप जैसे सर्टिफिकेट नंबर अपना सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे उसके बाद एक ऑप्शन आएगा उसमें कि आप पूरा डिटेल डालना चाहते हैं, तो डिटेल डाल दीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका शायद यह मांगेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, एक चीज़ और मांगता है उसके बाद जो कोड है रोबोट कोड है वह डालने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपका खुल जाएगा। अब यह फॉर्म पूरा का पूरा आपके सामने दिखेगा, आपको कुछ भी फिलिंग नहीं करनी है, एक जगह आएगा आपको फिल करने के लिए पहले ही स्लाइड में कि आप अपना इंटर के पूरे बायोडाटा फिल कर दीजिए, क्योंकि इंटर बेस पे यह हो रहा है, ट्रिपल सी वगैरह कोई डिमांड नहीं है, आराम से आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद स्टेप्स
को कंटिन्यू करते चलिए, कंटिन्यू करते चलिए। देखेंगे तो नीचे चेक बॉक्स बना होगा, उस चेक बॉक्स में सारी गाइडलाइंस दी होंगी। उस चेक बॉक्स में जो गाइडलाइंस दिया होगा उसमें लिखा होगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप क्यों इस फॉर्म को भर रहे हैं, आपने सारी चीजें क्लियरफाई कर दी हैं, आपका जो डाटा है वह वैलिड है या फिर आप ही हो ये, तो ये सब सारी चीजें चेकबॉक्स में आप चेकबॉक्स टिक कर देना, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, मात्र 4-5 लाइन है, ठीक है ना। तो उसके बाद आप फिर कंटिन्यू करेंगे, तो दूसरी बार जब कंटिन्यू करेंगे तो उसमें आपका फोटो आएगा, सिग्नेचर आएगा, फिर अगेन कंटिन्यू करेंगे तो उसमें मांगेगा ₹25। आप SBI से पेमेंट करना चाहते हैं, आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है, अगर आप नेट बैंकिंग करवाए हैं तो नेट बैंकिंग से किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर देंगे। अब आपके आपके मोबाइल पर एक आएगा फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को मेल पे भैया प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, उसको सेव कर लेना, स्टार लगा लेना, मेल पर जैसे आएगा स्टार लगा लेंगे तो वो मेल आपके पास जब तक रहेगा, जैसे जब तक वो आईडी रहेगी, आपका नंबर खो जाए कुछ भी खो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो मेल जब तक आपके पास है वो सेव रहेगा, स्टार लगाना नहीं भूलेंगे, अन्यथा आपके कंडीशन में अगर कभी मेल खो जाता है या मतलब कि कभी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह इधर बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं नीचे ऊपर हो जाता है तो आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, स्टार लगा लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। यह रहा प्रारूप, अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, यह सोचना नहीं कि हमने पेट में हमारा कम नंबर है तो हम नहीं भर पाएंगे, भरिए सभी लोग भरिए, और इसके ऊपर कोई परसेंटाइल के लिए एक नोटिस आएगा, उसके अनुसार वह जिसको लेना चाहेगी ले लेगी, लेकिन जिसका भी 60 के ऊपर है वो प्लीज़ भर देगा, 60 के ऊपर जिसका नंबर है वह जरूर भरेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है भाई, और 60 के नीचे वाले भरना चाहते हैं तो भर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर बात करें डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर फोर्थ टाइम पेपर को लेकर, जो 2017 बैच के 2018 बैच के, आज एक बच्ची थी, बच्ची क्या बहन ही थी कोई, प्रियंका नाम था उसका, अभी जो जिसकी बात कर रहे थे वही प्रियंका सोनकर नाम था भाई, बनारस की हैं वो भी, काशी नगरी की हैं। उन्होंने कॉल किया कि भैया यह बताइए जो हमारा एग्ज़ाम है चौथी बार होगा कि नहीं होगा, तो हमने कहा भाई देखना चौथी बार तो होना चाहिए, क्योंकि यह पूरी यह कहीं गाइडलाइन में तो लिखा नहीं है कि आपका चौथी बार एग्ज़ाम होगा, लेकिन PNP सचिव ने ही यह रूल रेगुलेशन लागू किया है, और जब यह सारी चीज़ें लागू करी गई उनके उनके द्वारा तो चौथी बार एग्ज़ाम होना चाहिए आप लोग का भी। लगभग 11,000 प्लस यहाँ पर फॉर्म सबमिट कराए जा चुके हैं आपके प्रत्यावेदन के, और कल भी बहुत सारे प्रशिक्षु अभ्यर्थी कम से कम हज़ारों की संख्या में वहाँ पर उपस्थित थे और फॉर्म अपना सबमिट कराए, तो ऐसे में हम आपसे विनती करते हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं सबमिट कराया है फॉर्म सबमिट कर दें जल्द से जल्द, है ना। 17 तारीख को फिर से शायद एक कोई धरना वगैरह है, हम बताएंगे कन्फर्म करेंगे इसको लेकर, तो आप लोग प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग यह ना सोचें कि चौथी बार एग्जाम के लिए हमें समय नहीं मिलेगा हमें या फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछली बार ऐसा कंडीशन आया था, हम मानते हैं इस बात को कि चार बार मतलब तीन बार बैक लगने का मतलब रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है, आपका सेमेस्टर बैक होता है, तो सेमेस्टर बैक भी तो कराने के लिए इनको नोटिस जारी करना चाहिए, तो उसके लिए भी नोटिस इन्होंने नहीं जारी किया। अब बच्चों का यहाँ पर माइंडसेट बना हुआ है कि जो यह फरवरी में एग्जाम होने वाला है, अगर हो जाता है फरवरी में तो हमारा अगर बैक का पेपर ना ले सकें तो अगर बैक का पेपर ना ले सकें तो कम से कम सेमेस्टर बैक ले लें। बहुत सारे प्रशिक्षु कह रहे हैं सर हम सेमेस्टर बैक देने के लिए भी तैयार हैं, हम पूरी तरीके से मेहनत करेंगे। खैर लेकिन क्यों आप मेहनत करोगे भाई, जब एक बार मौका दिया जाने की सारी बातें पिछली बार हुई थी तो इस बार दिया जाना चाहिए उनको, और गाइडलाइन में लिखी नहीं है तो उन्होंने ही जो गाइडलाइन बिगाड़ा है, तो गाइडलाइन में जब नहीं लिखी बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि सर पैसे ले लीजिए, तो भैया हम क्या करें, हम कोई पैसे वगैरह लेने की बात नहीं करते हैं और ना ही हमारी कोई ऐसी संस्थान है, ना ही हमारा कोई इतना पहुंच है कि हम चले प्रधानमंत्री सोर्स लगाए या फिर किसी सोर्स लगाए, ना ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हम, और ना ही हम अगर हमारे पहुंच में कोई ऐसा PNP पर होता भी ना तो हम कुछ भी नहीं उनसे चर्चा करते सबके विषय में, क्योंकि भाई स्टेटस का एक सवाल होता है और प्लस रहगी बात अपनी भी कुछ मेहनत की भी बात होती है, अगर आप अपने से नहीं कर सकते हैं मेहनत से नहीं कर सकते हैं तो इस पर कोई भी पैसे, वो लड़की बोल रही थी सर 2-3 हज़ार रुपये ले लीजिए करा दीजिए, भाई हमने बोला देखिए हमारा काम है आपको गाइडलाइन बताना, आपको सारी चीज़ें क्लास देना, फ्री में सारी चीज़ें कोचिंग देना, तो हमारा काम यह है भाई हम अपने सुचारू रूप से करते हैं और आपके लिए डिमांड करते हैं, प्रेशर दबाव बनाते हैं, और कोई हमारा दायित्व तो नहीं, या फिर हम अगर लड़कों की बात हुई तो लड़कों की संख्या भेजने में थोड़ा सा मदद करते हैं बस, और कुछ नहीं, कहीं भी हम हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है कि हम आपको चलें पैसे देकर आपका रिजल्ट निकलवा दें या फिर आपके कापियां चेक करवा दें, ये सब हम नहीं करते हैं और ना ही कभी करेंगे, है ना, ऐसी हमारा माइंडसेट कभी होगा भी नहीं और ना ही हम करना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर, तो प्लीज़ आप सब ऐसी बातें ना किया करें, अन्यथा कंडीशन हमने आज कम से कम 200 लोग को ब्लॉक किया है याद रखना, और ऐसे कंडीशन में हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हम सबको ब्लॉक कर देंगे एक तरफ से, कहानी खत्म कर देंगे, ठीक है भाई। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जो चीज़ें बताई जाती हैं वो सही बताई जाती हैं इस प्लेटफॉर्म पर, और जो चीज़ें अगर नहीं आपको लगता है कि सर ने गलत बताया तो आप उसको उसके लिए हमें भी समझा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम ऐसा बात तो नहीं है कि हम सारे एक जो आदमी है एक पर्सन है वो विद्वान हो जाता है ना, हमें आप भी सिखा सकते हैं, हम आपसे भी सीखते हैं, और आप
हमसे अगर सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना सीख रहे हो तो बस आपकी जानकारी के लिए सारी क्लासेस लाई जाती हैं। और रही बात यूपी टेट के, सारे क्लास हमने खत्म कर दिए हैं और डीएलएड के क्लासेस चल रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं भाई, हम मेहनत करेंगे आपके लिए, मेहनत करेंगे, क्योंकि कुछ प्रशिक्षु हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो पाता है पढ़ना, तो बस हम उन प्रशिक्षुओं का हेल्प करते रहेंगे, हमेशा के लिए हेल्प करेंगे। अगर कभी थोड़ी सी इसकी भी ज़रूरत पड़ी ना तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करना, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यह है कि जितना हमसे बन सकेगा हम सब करेंगे आपके लिए, बस बने रहना उन प्रशिक्षुओं से या फिर उन चीज़ों से दूर रहना जो आपको यह कहते हैं कि सर हमें पैसे दे दो हम आपका करा देंगे। लेकिन पैसे देते वक्त उनसे अगर आप विश्वास भी करते हैं उनके ऊपर, पैसे लेते देते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करेंगे भाई, उनका आधार कार्ड ले लेंगे, एक चीज़ इतना कर लेना। प्लस अगर बहुत ज़्यादा विश्वास है तो अगर हो जाता है ऐसा तो बहुत बढ़िया है, वैसे तो अगर बहुत सारे रकम वाले के चलता है भाई, पता है कि नहीं, आज की दुनिया जो ऐसी हो गई हमारी ना डिजिटल के साथ साथ, मतलब ये रियलाइज अगर आप करना चाहते हैं ना इस पूरे माहौल को, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से रंगीन है दुनिया, है ना, कुछ भी कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए पूरा तरीके से आप अपने आप को प्रतिबद्ध कर लें, अपने आप को पूरा मतलब एक तरह से यह मान के चलें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, आपके एग्जाम अगर होते हैं चौथी बार तो सारे बच्चे को होंगे, या फिर हो सकता है जो दादा चाचा भैया भैया भौजी वाले हों उनका पहले हो जाए ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे जो मनोभाव है, अपना मनोबल है, ऐसे ना डाउन करें, आपका एग्जाम होगा, ठीक है, थोड़ी सी लेट ही होगी लेकिन होगी। और आप लोग एक बार प्रत्यावेदन अगर दे दिए हैं तो अगर एक दो महीने हुए हैं दिए तो दोबारा देने की हमें लगता नहीं कि दोबारा देने की कोई यहाँ पर कोई प्रोसेस है। लेकिन अगर आप चाहते हैं देना तो दे सकते हैं, अगर ना चाहते हैं देना तो कोई कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं करता है। अगर जो बच्चे मेडिकल सर्टिफिकेट लगाने के लिए होड़ मचा कर रखें, होड़ मचा कर, मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है खैर इतना, ठीक है भाई। तो अगर आप लोगों ने होड़ मचाया है तो दे सकते हैं, कोई यहाँ पर भी प्रतिबद्धता नहीं है, अभी प्रतिबंधित नहीं है कि आप मेडिकल नहीं देंगे, और यह ना ही यहाँ पर यह डिमांड किया गया कि आपको मेडिकल लाना है। भाई अगर आप मेडिकल लेकर जाते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह क्वेश्चन उठेगा उनका कि भाई अगर आप मेडिकल लगा रहे हो तो पेपर देने क्यों आए थे। और रह की बात जो बच्चे पेपर नहीं दिए थे थर्ड से फोर्थ सेमेस्टर का, उनके लिए मेडिकल की आवश्यकता पड़ेगी, पहले वो फोर्थ सेमेस्टर के लिए एडमिट कार्ड निकलवाएंगे, फिर उसके बाद थर्ड सेमेस्टर के लिए प्रत्यावेदन देंगे, जिनका तीन बार बैक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, कमेंट में आपके डाउट का जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है प्रशिक्षु, धन्यवाद।